खबर आजमगढ़ से है, जहां राम नवमी तिथि के पावन अवसर पर महाराजगंज कस्बे कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कस्बे को भक्तिमय कर दिया। बता दें कि कस्बे में समाज सेवी डॉक्टर सुनील जायसवाल ने कस्बे में विशाल दुर्गा जागरण का आयोजन किया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत राधा कृष्ण और बजरंग बली की झांकी ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जागरण में आए श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और देर रात तक जागरण में भक्ति रस का रसास्वाद करते रहे। कस्बे में जहां दुर्गा जागरण में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं श्री राम जानकी मंदिर में विशाल जायसवाल के नेतृत्व में प्रभु श्री राम दरबार की मनमोहक झांकी शोभा यात्रा दिव्य स्वरूप निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और डीजे की धूम पर भक्ति गानों में श्रद्धालुओं राम रंग में रंग दिया। यह शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर से निकलकर नदी टोला पुराना चौक, पंडित लक्ष्मीकांत चौक, सहदेवगंज तिराहा के रास्ते, थाना रोड पुराना चौक के रास्ते, सब्जी मंडी होते हुए बजरंग चौक से परिसर में समाप्त हुआ। रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद रही। सुरक्षा के दृष्टिगत थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा पूरी तरह सतर्कता पुलिस बल सहित शोभा यात्रा और जागरण स्थल का निरीक्षण करते रहे। आजमगढ़ से अजय मिश्र की खास रिपोर्ट।